टर्बो मॉलिक्यूलर पंप अगर देखा जाए तो इसकी रेंज 10^-2 से 10^-10 मिलीबार तक है। आमतौर पर इसको कंपेरेबल समझा जाता है डेफियन पंप के साथ, क्योंकि वो भी इसी रेंज में काम करता है। फर्क दोनों में ये है कि ये ऑयल फ्री ऑपरेशन है, इसका टोटल एक मैकेनिकल पंप है, जबकि उसमें आपके पास टोटल जो डिपेंडेंस है वैक्यूम की वो ऑयल के ऊपर है। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ये एक क्लीन पंप है और वो जो है वो एक डर्टी पंप है, उसके अंदर क्लीनलेस का इश्यू जो है वो हमेशा रहता है। इसका वर्किंग क्या है, जिस तरह आप यहाँ पे देखें ये जेट इंजन की तरह काम करता है। जेट इंजन आप जहाज के जो इंजन होते हैं तो उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं जो हवा को बहुत तेजी से जो है वो कंप्रेस करके पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे हवा जो है वो प्रेशर कंप्रेस एयर जो होती है वो पिछली हवा के ऊपर प्रेशर डालती है और जहाज जो है वो आगे की तरफ जाता है। तो ये उसी तरह आपके पास एक जेट इंजन की तरह काम करता है, बहुत तेजी से इसके जो ब्लेड्स हैं वो मूव करते हैं और ये एयर को कंप्रेस करने के साथ साथ जो है वो बाहर की तरफ जो है वो निकालता चला जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो स्टैक ऑफ रोटर्स विद ब्लेड्स, आपके पास इसमें दो किस्म की चीजें लगी हुई है। अगर यहाँ पे आप देखें इस पिक्चर के अंदर, ये आपको ब्लू ब्लेड नजर आ रहे होंगे और उसके बाद रेड ब्लेड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रल वो है जो चैम्बर के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से एयर आएगी और उसके बाद यहाँ से इनके जरिए से कंप्रेस होके और ये यहाँ से बाहर चली जाएगी। अब ये जो ब्लू वाले हैं, ये जो ब्लू बॉक्स के अंदर टर्बाइन ब्लेड लिखा हुआ है, तो ये वो टर्बाइन ब्लेड हैं जिन्होंने घूमना है, जो घूमते हैं मोटर चलेगी और ये घूमना शुरू कर देंगे। और ये जो रेड ब्लेड्स हैं आपके पास, ये स्टेटर ब्लेड्स हैं। स्टेटर ब्लेड्स का मतलब ये नहीं घूमते, ये फिक्स हैं, ये अपनी जगह पे कायम रहते हैं। अब इन दोनों की अगर आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90, या आगे चले जाएं तो आपके पास 270 के एंगल जो है इनके दरमियान बन रहे हैं। तो अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स कहता है कि वो मोमेंटम पकड़ते हैं एक जो टर्बाइन के ब्लेड्स है उसके साथ, और उसके बाद क्या होता है रोटर्स उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो, और स्टेटर्स के जरिए से वो एक इस यानी कि स्टेज से अगली स्टेज में चले जाते हैं। और इनमें आपके पास ये टर्बाइन ब्लेड्स हैं, इनके जो घूमने की जो आप ये समझ लें कि जो RPM है वो 20,000 RPM तक ये ब्लेड्स जो है वो घूमते हैं। जाहिर जब ये अपने फुल फ्लो में काम कर रहा होता है तो 20,000 RPM तक इसमें जो आपके पास टर्बाइन के ब्लेड्स हैं वो मूव कर रहे हो, जाहिर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है। इस हाई स्पीड में ये गैस को नीचे की तरफ धकेल के और चैम्बर से बाहर जब वो निकाल देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके इसमें ये वो टर्बाइन का ब्लेड है जो घूम रहा है, वो तो जैसे ही आता है तो ये बेसिकली इसकी ये जगह दिखाई, ये ऑरेंज लाइन डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में ये रोटर जा रहा है मूव कर रहा है। और इससे जैसे ही कोई गैस का पार्टिकल टकराता है, अब गैस जा रहा है उसमें कोई एयर भी हो सकती है, उसमें वाटर के वेपर्स भी हो सकते हैं, कोई उसमें डस्ट का पार्टिकल भी हो सकता है, तो ये जो एरोज हैं ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं कि इस ब्लेड से टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की। तो अगर आप मैक्सिमम डायरेक्शन देखें तो वो उस ब्लेड से टकराने के बाद ये इस रीजन में है, देखिए वो डाउनवर्ड ही मूव करेगा, जबकि ये वाली डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो वो कम है, जबकि ये जो एरो है ये उस चांस को शो कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसमें अगर आप देखें तो ये जो रीजन है जो इस प्लेन के डायरेक्ट परपेंडिकुलर है या उस परपेंडिकुलर के करीब करीब जो एंगल्स हैं उसकी तरफ ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और डाउनवर्ड जाए आगे जो स्टेटर्स मौजूद हैं वो स्टेटर्स जो है वो उनको फर्दर डायरेक्शन मूव करें उससे प्रोवाइड करेंगे, तो उससे फिर टकराने के बाद ये नीचे जो नेक्स्ट ब्लेड्स होंगे उनकी तरफ मूव कर जाएगा। तो ये इस तरह है, ये देखें ये यहाँ पे आया, इस ब्लेड से टकराया, इस ब्लेड से टकराने के बाद ये इस सॉरी ये स्टेटर है ना, इस ब्लेड से टकराने के बाद ये स्टेटर से टकराएगा और स्टेटर से टकराने के बाद इस तरह मूव करते रहते हैं। इन स्टेटर्स के दरमियान जो है इनकी जो मोशन होती है वो आगे पीछे की तरह ये मूव करना शुरू करते हैं, और टकराने के बाद फिर जब ये फर्ज करें ये यहाँ से आया टकराया और इस स्टेटर इन दो स्टेटर के दरमियान ये इस तरह टकराते टकराते ये
नीचे की तरफ आता है। जैसे यहाँ पे आएगा ये ब्लेड मूव कर रहा है, ये उसको फिर फर्दर आगे नीचे की तरफ अगले स्टेटर की तरफ मूव करवा देगा। स्टेटर्स के दरमियान इनकी जो मोशन होती है वो इनके उस मोमेंटम की वजह से होती है जो इनको पिछले जो टर्बाइन का ब्लेड है उसने प्रोवाइड की होती है। जाहिर अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो ये एक ऐसा ब्लेड है जो पीछे से मूव करता हुआ आ रहा है। इसकी एक स्पीड है 20,000 RPM की। इस 20,000 RPM के साथ ये जब इससे टकराएगा तो इसको मोमेंटम ट्रांसफर करता है। उस मोमेंटम के नतीजे में ये जब नीचे आएंगे, अगर तो ये डायरेक्ट इस पोजिशन में आ रहे हैं तो ये इसके पैरेलल सीधा निचले ब्लेड के पास पहुंच जाएगा, स्टेटर से टकराएगा ही नहीं। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन डायरेक्टली डाउनवर्ड की बजाय थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, ये अब फर्ज करें अगर ये यहाँ पे आ रहा तो इस स्टेटर से आगे टकराएगा, अगर ये इधर जा रहा तो ये अगले स्टेटर में से किसी से जाके टकरा जाएगा। लेकिन उसने आना जाहिर है अगर हॉरिजेंटल लाइन से उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। वो डायरेक्टली नीचे वाले स्टेटर में आने के बजाय उससे अगले वाले स्टेटर में चला जाएगा, उससे अगले वाले स्टेटर में चला जाएगा तो वो नीचे आएगा। और उस पर क्या होगा, यहाँ से आगे फर्ज करें मैं अगर इसकी बात करूँ, ये आगे यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद इधर जाएगा और इस तरह ये 2-3 बाउंस लेगा इन स्टेटर्स के दरमियान में। अब ये बाउंस क्यों ले रहा है, वजह ये है कि जो इसका मोमेंटम पीछे से मिला हुआ है उस मोमेंटम की वजह से, उस एनर्जी की वजह से ये इन स्टेटर्स के दरमियान मूव करता हुआ निचले ब्लेड तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये ऊपर वाले ब्लेड हैं जो कि चैम्बर से सक कर रहे हैं एयर को और वो नीचे से नीचे जो है वो पार्टिकल्स को ट्रेवल करवाते चले जा रहे हैं और सबसे डाउन पे जो है वो आपके पास वो जो बेकिंग आउटलेट है वहां पे उसको बाहर सक कर लिया जाता है एक छोटे पंप के जरिए जो कि इसके साथ सीरीज में लगाया हुआ होता है, तो वहां से इस एयर को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है जी। यहाँ तक ये टर्बो मॉलिक्यूलर पंप का जो फंक्शन है वो ज़ाहिर है मैकेनिकल पंप है सिंपल, वहां तक इसका जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सॉर्प्शन पंप, इसकी रेंज 10^-6 mBar तक होती है। क्रायोसॉर्प्शन पंप है, आमतौर पे ये पंप्स ऐसे होते हैं जिनमें मैकेनिकल फिनोमिना नहीं होता बल्कि यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करते हैं। सॉर्प्शन पंप है ये अपने सरफेस के साथ एब्जॉर्ब करते हैं या डिसॉर्ब करते हैं और या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसके लिए क्या होता है फिनोमिना कि इनकी सरफेस को कूल किया जाता है, ठीक है जी। सरफेस को कूल किया जाता है, कूलिंग से ये होता है कि जो गैस और जो वाटर के वेपर्स होती हैं वो इनके सरफेस के ऊपर आके कंडेंस हो जाते हैं और उसके बाद उस सरफेस को बाहर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव होने से वहाँ पे रिमूव कैसे किया जाता है कि उस सरफेस को थोड़ा सा बाहर एक्सपोज करवाया जाता है, जैसे वो बाहर एक्सपोज होती है वहाँ टेम्परेचर हाई होता है तो वो जो गैस के पार्टिकल जो सरफेस का एब्जॉर्ब होते हैं वो वहाँ पर एवेपोरेट हो जाते हैं। जब एवेपोरेट हो जाए तो जाहिर है वो बाहर निकल गए सरफेस से, उसके बाद फिर तो इस तरह इसका एक सर्कल ऐसे चलता रहता है। इसकी जो सरफेसेस होती हैं वो बेसिकली अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 Kelvin और लेस लिखा हुआ है। 100 Kelvin का मतलब ये है कि तकरीबन आपके पास -173 Centigrade आई थिंक या 73 आप उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो इतना लो टेम्परेचर होता है इन सर्फेसिस का तो, और कोशिश ये की जाती है कि जो गैस की पॉसिबिलिटी अंदर है, ठीक है, उसके बेसिकली जो कंडेंसेशन पॉइंट है ना टेम्परेचर, उस कंडेंसेशन टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर नीचे हो, उसी सूरत में आपके पास ये पॉसिबल होगा कि वो गैस जब आके सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद इसके ऊपर वहाँ पर स्टिक हो जाएगी, वहाँ पर आप ये समझें कि एब्जॉर्ब हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसको आप बाद में बाहर जो है वो एवेपोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख गैस मॉलिक्यूल दैट स्ट्राइक दिस कूल्ड माइक्रोपोरस सरफेस बिकम अटैच्ड एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द गैस फेज एंड आर इफेक्टिवली पंप्ड फ्रॉम द वैक्यूम सिस्टम, ठीक है जी। तो वो गैस फेज से निकल आते हैं, जाहिर है गैस फेज से जब निकलते हैं कंडेंस हो गया तो गैस फेज खत्म हो गया, सॉलिड फेज आ गया, उस सॉलिड फेज को फिर बाहर में सरफेस को बाहर दूसरे पोर्शन डायरेक्ट एटमोसफेयर से तो नहीं लेकिन उस पंप के अंदर मौजूद इसका जो दूसरा चैम्बर होता है उसके अंदर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो वहां से वो दोबारा एवेपोरेट करके बाहर निकल जाती है सिस्टम से। अच्छा, अब जिन पोर्स के अंदर इनको कैप्चर करवाया जाता है
यानी कि अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं या एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो डायमीटर जो पोर्स का होता है वो तकरीबन 13 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1.3 नैनोमीटर तक हो सकता है। जाहिर है गैस एक सिंगल पार्टिकल, अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो N2 का पार्टिकल कितना बड़ा हो सकता है, O2 का पार्टिकल सिर्फ दो एटम्स है ना O2 में, इस तरह नाइट्रोजन अगर N2 की फॉर्म में है तो आपके पास सिर्फ दो उसके एटम्स हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 तो आपके पास तीन एटम्स हैं। तो एटम्स का साइज तो बहुत कम होता है, तो उनको कैप्चर करने के लिए आपके पास जो पोर्स होने चाहिए वो भी उतने ही उसके लेवल के बराबर होने चाहिए। तो ये 1.3 टाइम्स माइनस 9 मीटर यानी कि नैनोमीटर में ये आपके पास पोर्स का साइज होता है, और जो तकरीबन बराबर होता है जो वाटर के वेपर्स होते हैं या ऑयल के वेपर्स होते हैं या लार्जर गैस मालिक्यूल नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह होता है, तो ये उनके जो डायमीटर है ये उसके तकरीबन, जो उनका मालिक्यूल आएगा उसके तकरीबन डायमीटर के ये बराबर होते हैं। तो ये इसमें सिंपल प्रोसेस है कि ये सरफेस एक साइड पे, चैम्बर की एक साइड पे जो इनका टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, और दूसरी साइड जब आप चैम्बर में एक दूसरी साइड भी एक्सपोज करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा वहाँ पे ये दोबारा वेपोरेट हो जाएगी और इस तरह आपके पास बढ़ता चला जाएगा। ये 10^-6 मिलीबार तक इसकी रेंज। नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स एंड बूस्टर पंप। ठीक है जी, रूट्स एंड बूस्टर पंप है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास मैकेनिकल ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन टोटल, ये दो आपके पास रोटर लगे हुए हैं। अब इनकी शेप आप देख लें कि ये रोटर्स किस शेप में क्या है मौजूद है, दोनों ही मोटर के साथ लगे हुए हैं, दोनों की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है, एक जैसी मूवमेंट नहीं है, दोनों की मूवमेंट डिफरेंट है। ये वॉल्यूम को ट्रैप करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो टोटल इसके बाहर अब बॉडी है ये स्टेटर बॉडी है, ये इसका फ्रेम है जिसके अंदर ये दोनों रूट्स जो है ये मूव करेंगे। तो इसी के अंदर अब ये वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम बन रहा है। जैसे जैसे ये रूट्स मूव करेंगे ना तो आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम्स जो हैं वो अपेयर होंगे, और फिर ये वॉल्यूम्स जो हैं वो आगे आगे की तरफ मूव करेंगे। अब फर्ज करें यहाँ पे देखें, अगर ये इनलेट मौजूद है गैस वॉल्यूम का, यहाँ से इस इनलेट में ये गैस एंटर होगी, ठीक है जी। अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। अब आप देखें ये स्लो, इसकी मोशन यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस तरफ मूव किया, ये यहाँ तक इस तरफ मूव कराया, तो ये जो आपके पास वॉल्यूम था इसमें जो गैस वो यहाँ फर्दर जब ये मूव करेगा तो इसमें देखें अब ये वॉल्यूम मूव करता चला जा रहा है, इस तरह ये आगे मूव करता चला गया, ये आगे मूव करता, यहाँ तक जब ये इस जगह पहुंचेगा तो ये इसके एग्जॉस्ट पे पहुंच गया हुआ ये वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको जब ये फर्दर अगले स्वाइप करेगा तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है ये यहाँ पे स्क्वीज हो जाएगा और जो गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह ये तकरीबन आप समझ लें कि उसने इसको 6 स्टेजेस में दिखाया कि एक वॉल्यूम यहाँ पे कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उसको कैसे मूव करवाया जा रहा है, वो यहाँ पे मूव करता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये रूट्स हैं बेसिकली। अब जाहिर है ये भी इनर सरफेस इसकी भी क्लीन है, इसमें कोई ऑयल यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसकी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसकी जो जाहिर एक मैकेनिकल पंप और सिंपल एक बूस्टर पंप है, तो इसकी भी 10^-2 मिली बार तक इसकी भी जो रेंज है वो मौजूद है। ये बहुत ज्यादा कोई हाई वैक्यूम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये रोटरी के मुकाबले में आप ये समझेंगे ये पंप जो है वो मौजूद है इसकी रेंज। ड्राई पिस्टन पंप ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पीछे डायफ्राम पंप पढ़ा। अब ये समझ लेंगे वहां पे डायफ्राम पूरा मूव करता था, यहाँ पे उसको हमने, वहां मैंने डायफ्राम को पिस्टन का नाम दे दिया, अब यहाँ पे सिंपल लगाया है खुद पिस्टन गया हुआ। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों का सेम है, जो इनकी रेंज है वो भी दोनों की सेम है, रेंज में भी कोई फर्क नहीं है और वर्किंग में भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे अगर सिंपल देखें, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो इनलेट से क्या करेगा, गैस अपने अंदर सक करेगा, जैसे यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस को सक कर रहा है अंदर, गैस यहाँ पे ट्रैप होते चले जा रही है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा पिस्टन, ये वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, तो गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट को जो है वो खोल देगा और यहाँ से गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। सेम वही प्रिंसिपल है जो हमने
डायफ्राम पंप के केस में पड़ा था, तो ये ड्राई पिस्टन पंप भी वो अपने पास उसी रेंज में, रेंज भी सेम है और उसकी वर्किंग भी सेम है। उसके बाद आयन गेटर पंप, इसमें अगर आप इसकी वर्किंग देखें तो इसमें वर्किंग क्या है इसकी, अगर आप फिग देखें तो इसमें आपको छोटे छोटे सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन सिलेंडर, ये एनोड सिलेंडर हैं बेसिकली, ये एक इलेक्ट्रिकल इसका जो है ना आयनाइजेशन प्रोसेस पे ये वर्क करता है, और इन सिलेंडर्स के बाहर टाइटेनियम की प्लेट्स रखी गई हैं जो कि कैथोड के तौर पे काम कर रही हैं। ये टाइटेनियम की ये प्लेट पड़ी है यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे ये प्लेट, ये आपको कैथोड है और अंदर ये सिलेंडर है एनोड के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद पंप की हाउसिंग है बाहर, उसको ये बनाया गया है और टोटली इसके एक्सटर्नल साइड पे आपके पास ये परमानेंट मैग्नेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये टाइटेनियम कैथोड और इसके दरमियान आपके पास ये पोटेंशियल होगा सिलेंडर और इस प्लेट के दरमियान, ठीक है। और बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेट है जो कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड आयनाइजेशन प्रोसेस, गैस जैसे ही आएगी वो जाहिर है इसके दरमियान जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दरमियान जब वो आके दरमियान में आएगी तो आयोनाइज हो जाएगी, जैसे हमने पहले भी वो आयोनाइजेशन के प्रोसेस कहाँ पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे जनाब गेजेस के अंदर पढ़े थे। यहाँ पे ये जो एनोड और कैथोड है इसके दरमियान में आपके पास गैस आयोनाइज होगी। अब गैस मौजूद कहाँ पे होगी, ये जो सिलेंडर्स के दरमियान में आपको छोटी छोटी स्पेस नजर आ रही है ना, जाहिर है सर्कुलर सिलेंडर इनके दरमियान में स्पेसिंग मौजूद होगी, सॉरी स्पेसिंग के दौरान गैस ट्रेवल कर रही होती है और उस ट्रेवलिंग के दौरान में वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होके फिर वो क्या करती है, जाहिर है वो कैथोड के साथ ट्रैप होते चले जाती है, ठीक है। आपने जाहिर है उसको दो वो दिए, जो भी पॉजिटिव पार्टिकल आयोनाइज होंगे वो क्या होंगे, टाइटेनियम कैथोड के साथ अटैच होते चले जाएंगे, और इस तरह क्या होगा आप आयंस को कैप्चर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बेसिकली आयोनाइजेशन के बाद कैप्चरिंग का प्रोसेस है और आप जो है वो गैस पार्टिकल्स को इसके साथ कैप्चर करते चले जा रहे हैं। हाँ, अब इसमें यह होता है कि जनाब क्योंकि टाइटेनियम की सरफेस तो जाहिर है तो गैस के पार्टिकल के साथ अटैच होते चले जाएंगे होते चले जाएंगे फिर इसकी क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है अक्सर बात, सारे ये कैथोड्स हैं, कैथोड और एनोड जो है इनके दरमियान गैस के पार्टिकल जब इनकी सरफेस से स्टिक हो जाएंगे तो फिर इस चीज़ की जरूरत मौजूद रहती है हमेशा कि उनकी सरफेस को क्लीन भी किया जा सके किया जाए, तो इनकी सरफेस को अक्सर बेशतर जो है वो क्लीन जो है वो करना पड़ता है। सारे का हाई वैक्यूम तक जाने वाला पंप है तो इसको हम यूज कर सकते हैं 10-10 millibar तक, ठीक है जी। तो ये आपके पास पंप्स ख़त्म हो गए, आपका ये जो वैक्यूम वाला था वो ख़त्म हो गया।